एक व्यस्त व्यक्ति के फुटपाथ पर घुटने टेकने वाला अमेरिकी आदमी की तस्वीर अब वायरल हो रही है। रॉबर्ट कोटान शिकागो से है। यह फिलीपींस में यहाँ जाने के अपने उद्देश्य पर स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह धोखा दिया गया और फिर लूट लिया। वह खून की वजह से भी दर्द से पीड़ित है। कोटान वर्तमान में दासमरी सिटी में दान के लिए पूछ रहे हैं। उनके यहाँ 6 साल का एक बेटा भी है। गूगल। यह अमेरिकी नागरिक बॉब कोटन की कहानी है जो अपनी फिलिपिनिया पत्नी द्वारा छोड़ा गया था। वह जीना को घर आने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। फेसबुक पर दी गई जानकारी के आधार पर बॉब 59 वर्ष का है और उसकी पत्नी का नाम जेनी जीना ओलादा है। उनके पास एक बेटा है के सी जेम्स कोटान। बॉब की एक बेटी है जो शिकागो इलिनॉइस में रहती है, जिसका नाम प्रिस्किला कोटान है। गूगल सर्च। हालांकि कुछ नेटिजन ने बॉब की पत्नी को खाली जेब से छोड़ने का आरोप लगाया था, हमें जानकारी मिली कि बॉब कथित रूप से ड्रग्स के आदी रहे और अपनी पत्नी को अपमानजनक कारणों से उसने उसे छोड़ दिया। उन्होंने गिना को फिर से उनके साथ रहने का अनुरोध किया क्योंकि उन्होंने बेहतर बदलाव के लिए वादा किया है। उन्होंने ब्रेकअप और सोलानो में एक अपार्टमेंट का उल्लेख किया है। गूगल इमेज। निकी गाजिया वीडियो अपलोडर रोकसास बोलिवर के निकट काला स्ट्रीट में बॉब को देखा। उसने कहा कि बॉब के मुताबिक वह 6 सप्ताह तक चलने और सोफे पर सो रहा है। वह स्थान जहां पर देखा गया था वह अमेरिकी दूतावास के पास है। कुछ ने कहा कि बॉब पहले ही वहां गया था, लेकिन जाहिरा तौर पर सहायता पाने में असमर्थ था क्योंकि वह देश में पहले से ही खत्म हो चुका है।